नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन की फन्ने खां रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़े में फंस गई है। ये फिल्म 3 अगस्त को रिलीज होने वाली है। दरअसल प्रोड्यूसर वासु भंगनानी ने फन्ने खां के मेकर्स के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अब 1 अगस्त को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि भंगनानी ने फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग की है। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स से जुड़ा हुआ है। भंगनानी का आरोप है कि फन्ने खां के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स उनकी कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड को दिए गए थे। साथ ही फिल्म में उन्हें को प्रोड्यूसर का क्रेडिट देने की बात कही गई थी, लेकिन अब एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा रहा। उनकी डील करीब 10 करोड़ में साइन हुई थी। भंगनानी ने 8.5 करोड़ रुपए जमा भी करवाए थे। बाकी का अमाउंट फिल्म की रिलीज से 1 हफ्ते पहले देने की बात हुई थी। पूजा फिल्म्स के मुताबिक उनके पास फन्ने खां के देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन और थिएटिकल राइट्स थे। दिसंबर 2017 में को प्रोड्यूसर क्रियास एंटरटेनमेंट के बीच MOU साइन हुआ था। आपको बता दें कि फिल्म से जुड़ी 2 याचिकाएं पहले से दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट में लंबित है। आपको बता दें कि फन्ने खां की मुश्किलें सिर्फ कानूनी पचड़े से जुड़ी नहीं है, बल्कि बॉक्स ऑफिस से जुड़ी भी है। फन्ने खां के साथ 2 और फिल्में रिलीज हो रही है, पहली है मुल्क, दूसरी है कारवा। जाहिर है बॉक्स ऑफिस पर भी फन्ने खां का सफर आसान नहीं है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।